हेलो फ्रेंड, मैं शिवम श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SS कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, ये हमारे MS वर्ड सीरीज़ का पार्ट टू वीडियो है। अगर आपने इसका पार्ट वन वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पर दिया है, आप वहाँ पर क्लिक करके MS वर्ड सीरीज़ का पार्ट वन वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों, MS वर्ड के पार्ट टू वीडियो में हम आपको MS वर्ड के होम टैब के फॉन्ट ऑप्शन के बारे में बताएंगे कि फॉन्ट टैब में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं और उनका आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन। दोस्तों, अगर यहाँ पर हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आए तो आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देखें, यहाँ पर हमने MS वर्ड ओपन करके रखा है। अगर आपको नहीं पता है MS वर्ड कैसे ओपन करते हैं, ब्लैंक पेज कैसे लेते हैं, तो आप पार्ट वन वीडियो जरूर देख लें सबसे पहले। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ भी अगर हमें यूज करना है, फॉन्ट टैब हमें सीखना है, तो फॉन्ट टैब के लिए हमारे पास टेक्स्ट होना चाहिए, कोई पैराग्राफ लिखा होना चाहिए। तो MS वर्ड में हमें डिफॉल्ट पैराग्राफ भी मिलता है, जिसे एक छोटे से फॉर्मूले की मदद से हम लोग ला सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है वो यहाँ पर देख लेते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर आना है, जहाँ पर भी आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है यहाँ पर आपको लिखना है इक्वल R A N D लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना और ब्रैकेट बंद कर देना, इतना आपको करना है। फिर से देख लें, इक्वल R A N D ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट बंद कर देना, फिर एंटर कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये पैराग्राफ हमारे सामने आ जाते हैं। तो आप देखें, 1 2 3 4 मतलब 5-6 लाइन का एक पैराग्राफ हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। एक पैराग्राफ ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवें, छः, ये इस तरह में हमारे पास आ जाते हैं। अब आते हैं फॉन्ट टैब पर कि फॉन्ट टैब में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, उन्हें कैसे यूज़ करना है। तो आप देखें, यहाँ पर आए तो सबसे पहले आपको आ जाना है होम टैब पर। होम के बाद आप यहाँ पर देखें, ये आपको मिल जाता है पूरा, इतना है, ये हमारा फॉन्ट सेक्शन यहाँ पर कहलाता है। सबसे पहले आपको जिस भी टेक्स्ट पर यहाँ पर इन सब का यूज़ करना है, वो टेक्स्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मान लीजिए हमें यहाँ पर इस लाइन पर यहाँ पर अप्लाई करना है, तो हमने ये लाइन यहाँ सेलेक्ट कर ली पूरी। आपको क्या करना है, माउस कर्सर यहाँ पर रखना है, फिर माउस को आगे बढ़ाते जाना है, इस तरह सेलेक्शन हो जाएगा। या आप शिफ्ट और लेफ्ट एरो का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, मतलब शिफ्ट लेफ्ट और राइट डाउन अप एरो की मदद से आप टेक्स्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आए, सबसे पहला यहाँ पर क्या दिया है, बोल्ड। तो बोल्ड का मतलब क्या है, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा टेक्स्ट हमारे सामने, डार्क में इस तरह में आ जाएगा। इटैलिक, इटैलिक का मतलब होता है टेढ़ा, थोड़ा सा तिरछा यहाँ पर कर देगा। तीसरा यहाँ पर क्या है, अंडरलाइन। अगर आपको टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन देना है तो आप अंडरलाइन दे सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, जहाँ पर भी ये एरो आपको मिल जाता है, मतलब इसके अंदर और भी ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो आप देखें, इस तरह में लाइन आप दे सकते हैं, लाइन का नाम आपको यहाँ पर शो करेगा। जब आप यहाँ ठीक अंडरलाइन आएगा, यहाँ पर आएँ तो डॉटेड अंडरलाइन है, यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर भी अंडरलाइन, मतलब यहाँ पर वेव अंडरलाइन, यहाँ पर आप कर्सर रहें डॉट डॉट क्लैश अंडरलाइन, यहाँ पर कर्सर रखें डॉट क्लैश अंडरलाइन, यहाँ पर कर्सर रखें तो डैश अंडरलाइन, मतलब इस तरह में अलग अलग अंडरलाइन है, जो भी अंडरलाइन अप्लाई करना है। हमने वेव वाली अंडरलाइन अप्लाई कर ली, अंडरलाइन का जो भी कलर आपको देना है। फिर यहाँ पर आएँ, यहाँ पर देखें मोर अंडरलाइन दिया है, यहाँ से भी आप मोर अंडरलाइन कर सकते हैं, जिस तरह में आपको देना है देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो ये कर दिया। फिर आ जाते हैं अंडरलाइन का कलर, कलर के लिए फिर से हमें यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखें अंडरलाइन कलर, जो भी कलर आपको देना हो वो अंडरलाइन कलर आप यहाँ से दे सकते हैं, मतलब इस तरह में अंडरलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। अंडरलाइन में कलर देना हो आप यहाँ पर कलर वगैरह भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद आए तो यहाँ पर आप देखें ABCD लिखा है, ABC यहाँ पर लिखा है और उसके आगे क्रॉस का साइन, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो यहाँ पर बोलते हैं। फिर यहाँ पर आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखें इसका काम होता है 20 से क्रॉस कर देना, मतलब 20 से क्रॉस कर देगा। बहुत बार आपने इस तरह में देखा होगा, प्राइस वगैरह में आपने देखा होगा, जैसे मॉल्स वगैरह में आप सामान खरीदने जाएँ तो नया अगर प्राइस वहाँ पर लिखा होता है तो पुराना प्राइस 20 से इस तरह में क्रॉस होता है, तो वहाँ पर कभी कभार जरूरत पड़ जाती है। मतलब अगर आपको इस तरह का डेटा बेस है जहाँ पर आपको क्रॉस करना है, गलत दिखाना है, तो स्ट्राइक थ्रो की मदद से आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आता है H2 या H2, इनको बोलते हैं यहाँ पर सब इसके, मतलब जो आप यहाँ पर H2 यहाँ पर देख रहे हैं, मतलब जितनी भी केमिस्ट्री रिएक्शन होती है उनमें जो यहाँ पर यूज होता है उसको सब स्किप बोलते हैं, और जो मैथ फॉर्मूले में यूज होता है इन सबको सुपर स्किप बोलते हैं। सारे फॉर्मूले तो यहाँ पर किसी को नहीं याद रहते हैं, यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं जो नॉर्मली सबको याद ही रहते हैं। जैसे यहाँ पर एक मैथ फॉर्मूला ले लें, A+B का होल स्क्वायर हो गया, जैसे A² + B² + 2AB, ज़्यादातर लोगों को ये याद ही रहता है, तो उसी का हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो हमने लिखा A² + B² + 2AB, तो यहाँ पर ये हमने लिखा। अब हमें क्या करना है, इस तरह में तो हमारा फॉर्मूला होगा नहीं, A² B² 2AB, ये क्या होगा, A हमारा स्क्वायर में होगा, B हमारा स्क्वायर में होगा, हाँ 2AB हमारा ऐसे लिखा रहेगा। तो आपको इस तरह में 2 को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको आना है फिर से होम टैब, और यहाँ पर देख लें ये है पावर वाला सुपर स्क्रिप, इस पर क्लिक कर दें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पावर में आ जाएगा। इसी तरह दूसरा वाला भी सेलेक्ट कर लेना है, फिर से आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो इस तरह में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एंटर करें,
फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या, ये वाला सब स्किप, ये होता है केमिस्ट्री रिएक्शन के लिए। अगर आपको केमिस्ट्री वाली रिएक्शन यहाँ पर लिखना हो, जैसे मान लीजिए H2O, तो H2 हमने यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर 2 को हमें नीचे लाना है, तो उसके लिए भी आपको 2 को सेलेक्ट करना है इस तरह में, और आप यहाँ पर देखें सब स्किप तो आप इस तरह में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इस तरह में आप सुपर स्किप और सब स्किप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हो गया, सुपर स्किप हो गया और सब स्किप हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर देखें, जैसे हम किसी टेक्स्ट को दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर आए तो आप देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पर दिए टेक्स्ट इफेक्ट हमारे। आप इसमें भी टेक्स्ट इफेक्ट दे सकते हो, जैसे हमने ये वाला सेलेक्ट किया। यहाँ पर आते हैं फिर से, ये अप्लाई कर लेते हैं। तो इस तरह में टेक्स्ट इफेक्ट वगैरह आपको अप्लाई करना हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आएँ, अलग अलग यहाँ पर इफेक्ट हैं, जो भी इफेक्ट आपको अप्लाई करना है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ये अलग अलग यहाँ पर इफेक्ट दिए, आउटलाइन दिया है तो आउटलाइन आप दे सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर जो रेड आउटलाइन आ रही है तो आउटलाइन आप दे सकते हो। शैडो है यहाँ पर, आप शैडो यहाँ पर दिखा सकते हो, ये आप देख सकते हो। शैडो साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये शैडो आपको यहाँ पर शो कर रही। शैडो के बाद हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन आप देख सकते हो ये रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, जैसे मिरर में रहता है रिफ्लेक्ट होकर आएगा तो इसी तरह रिफ्लेक्ट होकर आएगा। फिर यहाँ पर आए ग्लो, तो ग्लो आप देख सकते हो, जैसे क्रीम लगाने से ग्लो आता है वैसे यहाँ पर भी इस तरह ग्लो आ जाएगा, तो ये भी ग्लो यहाँ पर आ जाएगा। तो ग्लो आपको देना हो तो ग्लो आप यहाँ पर दे सकते हो। फिर यहाँ पर ये आता है हाईलाइटर, हाईलाइटर का काम क्या होता है, हाईलाइट कर देना। जैसे हम लोग इंपॉर्टेंट पर हाईलाइटर लगाते हैं, कोई क्वेश्चन हुआ तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो हमने उसको हाईलाइट कर दिया, हाईलाइटर लगा दिया, तो उसी तरह हाईलाइटर हमारा यहाँ पर भी यूज होता है। जो भी इंपॉर्टेंट है आप हाईलाइटर लगा सकते हो, मार्क कर सकते हो, बस आपको सेलेक्ट करना है। तो हमने ये लाइन सेलेक्ट की, फिर यहाँ पर हाईलाइटर पर क्लिक कर देना। फिर से आप देखेंगे हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हाईलाइटर इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो भी कलर देना चाहें वो कलर आप दे सकते हैं। हटाना हो तो नो हाईलाइटर कर दे, हट भी जाएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जहाँ पर ये एरो दिया है मतलब वहाँ पर और भी ऑप्शन हैं। फिर यहाँ पर आए उसके बाद वाला ऑप्शन, उसके बाद वाला ऑप्शन होता है फॉन्ट कलर। जो भी फॉन्ट कलर आपको देना हो, फॉन्ट कलर आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और दे सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, आपका क्या क्या हो गया एक समरी में यहाँ पर देख लेते हैं। बोल्ड आपने पढ़ा, इटैलिक पढ़ा, अंडरलाइन पढ़ा, स्ट्राइक थ्रो यहाँ पर हो गया, सुपर स्किप, सब स्किप हो गया, यहाँ पर इफेक्ट हो गए, हाईलाइटर हो गया और फॉन्ट कलर हो गया। तो दोस्तों आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल SS कंप्यूटर क्लासेस पढ़ना है तो हमारे चैनल SS कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे इसी तरह नॉलेजफुल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो हमारी इंस्टाग्राम ID का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया है, आप वहाँ पर क्लिक करके हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।